माखनलाल चतुर्वेदी। श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक स्थान पर हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी भारत के एक लोकप्रिय कवि, लेखक और पत्रकार थे। वे सुधी चिंतक, सुकवि और प्रखर पत्रकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के सेनापतियों में से एक थे और सच्चे अर्थों में संपूर्ण मानव थे। उनकी मुकम्मल पहचान एक भारतीय आत्मा के रूप में है। उनकी रचनाएं ओजपूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत थीं। वे सच्चे देशप्रेमी थे और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए जेल भी गए। बच्चों, एक बार तेजस्वी वक्ता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे कि पेट्रोमैक्स बुझ गया। व्यवस्थापक उसे जलाने में जुटे थे कि उन्होंने कहा, जैसे यह बत्ती बुझ गई, ऐसे ही अंग्रेजों की बत्ती बुझ जाएगी। कुछ ही क्षणों में पेट्रोमैक्स जल गया। तब उन्होंने कहा, और जैसे फिर से प्रकाश फैल गया, वैसे ही स्वतंत्रता का प्रकाश चतुर्दिक फैल जाएगा। सहज रूप में कही गई इस बात पर कई मिनट तालियां बजती रहीं। जय जयकार होने लगा। अंग्रेज इससे इतने नाराज हुए कि उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उनकी कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी सुंदर चित्रण हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, तथा कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे आदि आपकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। 1943 में उस समय हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा देव पुरस्कार माखनलाल जी को हिम किरीटनी पर दिया गया था। इसके उपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी लिटकी मानद उपाधि, पद्म भूषण आदि पुरस्कार दिए गए। भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया। इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया।